नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों, 7 तारीख का सुबह का पेपर दोस्तों हो चुका है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कितना स्कोर चाहिए जिससे कि फिजिकल के लिए आप अपनी तैयारी कर पाएँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। लाइक करें इसे सबसे पहले, और शेयर मार दें सभी तक पहुँच पाए ये इन्फॉर्मेशन, और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। चलिए बात करते हैं एग्जाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का ओवरव्यू देखते हैं कि पेपर किस तरह से आया। दोस्तों, पेपर के अंदर देखें तो कंप्यूटर रीजनिंग काफ़ी ईजी थी, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। उसके बाद में अगर जीके की बात करें तो अब की बार राजस्थान के जीके से कल्चर से भी जैसे लोक नृत्य है, कुछ एक आध और क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन अच्छे आए, और करंट का तो आ ही रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं जिनके एक दो क्वेश्चन ही थे जिनके आंसर किसी को नहीं आते। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे पास पेपर है। एक ये जो हिंदू मंदिर वाला था, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत में हिंदू बड़ा मंदिर था, ऐसा कोई प्रश्न था ना, अभी वो ऊपर चला गया, मिल नहीं रहा मेरे को। हाँ, ये मिल गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो विश्व का पूछा था, तो दोस्तों ये प्रश्न किसी कोचिंग में किसी टीचर ने नहीं करवाया होगा, ये तय शुदा बात है। अगर कोई बोलेगा तो झूठ मूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न न तो कोई करवाता है न। तो ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन है वो किसी को नहीं आते थे। सबसे अच्छा बेनिफिट ये हुआ था, अगर किसी ने 6 का पेपर देख के गए हैं, 6 के दोनों पेपर, तो 7-8 क्वेश्चन आपको रिपीट भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इजी थे। सरसों का राज्य कहलाता है, क्योंकि सरसों का में प्रथम स्थान है ना। एक वो करणी चूहों के बारे में आया था, वो कल बीकानेर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आज फिर से बीकानेर से कोलाइत का क्वेश्चन आया था कल वाले शिफ्ट में, आज बीकानेर से रिलेटेड करणी माता का आ गया है, चूहों के नाम से वो प्रश्न वो आ गया था। इजी था। रीजनिंग भी रीजनिंग इजी थी, जैसे काहिरा मिस्र की राजधानी है तो फ्रांस की पेरिस हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा रीजनिंग का भी था। अभी बात करते हैं सेफ स्कोर क्या होगा इसमें। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अच्छे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी देखने को मिले थे जो पिछली एग्जाम के अंदर 6 को आए थे ना, लेकिन वो उनके सेम कॉपी तो नहीं थे, रिपीटेड तो नहीं कर, लेकिन उनसे रिलेट है। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था तराइन के युद्ध वाला आया था, आज भी आया है, तराइन के युद्ध से रिलेट आया है। लेकिन अब की बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि तराइन का जो युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी के साथ किसने लड़ाई की थी, 1191 के अंदर 11 फर्स्ट हुआ था और 92 में सेकेंड। प्रथम में पृथ्वीराज धीरे धीरे जीता था लेकिन दूसरे में हार गया था, तो उसमें पूछा था कौन था, तो पृथ्वीराज इसका आंसर था, है ना। इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया इसमें, तो यानी एक रिलेटेड ही उस टॉपिक के क्वेश्चन दोबारा से डाल दिया गया था। तो इस तरह के प्रश्न आए थे, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो पेपर के ऊपर, आपने पेपर कैसा दिया, कितने क्वेश्चन की, वो आप कमेंट करके बताना कितने सही हुए। जिसके हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि पेपर तो इजी ही आ रहे हैं, कल भी इजी थे आज भी इजी है, कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है आपको पता है, लेकिन यहाँ पर सेफ स्कोर जितने क्वेश्चन आपने किए, यहाँ 105 लगभग 100 मैं मान के चलूंगा कि 100 से ऊपर आपके क्वेश्चन सही हैं। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, फिर ओबीसी थोड़ा नीचे, करीबन एससी एसटी का देखें तो 85-90 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो आराम से 80 तक आपके सही हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इन बच्चों के जनरल कैटेगरी के अंदर 100 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे, फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, एस सी एस टी है ओबीसी है, तो वो जैसे एस सी एस टी का मैं मान के चलता हूँ कि 85-90 के आसपास 80 से ही अगर है तो सेफ है, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर हो सकता है आगे पीछे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक तैयारी दोस्तों शुरू कर सकते हैं फिजिकल की। बाकी आप बताना कि कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन राइट किए कितने गलत किए, उसके हिसाब से देखते हैं। बाकी ये सेफ स्कोर इसी के आसपास दोस्तों रहने वाला है इस पेपर का, तो अभी इसी में इतना ही डिस्कशन करेंगे, अभी एक पेपर और होना बाकी है, तो आप उसकी तैयारी करें, ठीक है। चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।